यूपी में प्रतिबंधित संगठन पीएफआई पर एटीएस का छापा पड़ा है। करीब दर्जन भर जिलों में हुई छापेमारी में बड़ी संख्या में इस संगठन से जुड़े लोगों को हिरासत में लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। एटीएस के इस एक्शन ने हलचल तेज कर दी है। उत्तर प्रदेश में प्रतिबंधित संगठन पीपल्स फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई से जुड़े सदस्यों पर छापा पड़ा है। रविवार को उत्तर प्रदेश की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यूपीएटीएस की ओर से ये कार्रवाई की गई। प्रदेश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की सूचनाओं के बीच इस प्रकार की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग से पहले इस तरह की कार्रवाई ने हर जगह हलचल मचा दी है। मिल रही जानकारी के मुताबिक यूपीएटीएस की ओर से लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, वाराणसी, आजमगढ़, सहारनपुर, गाजियाबाद समेत प्रदेश के अन्य शहरों में छापेमारी चल रही है। छापेमारी के दौरान यूपीएटीएस पीएफआई से जुड़े लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रही है। पिछले दिनों भी कई मौकों पर पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों से संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। यूपीएटीएस की ओर से ये बड़ा एक्शन शुरू हुआ है। पिछले दिनों लखनऊ और आसपास के इलाकों में नगर निकाय चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बाद से ही माहौल तनावपूर्ण बनाने की कोशिश की गई। प्रयागराज की हालिया घटनाओं के आधार पर प्रदेश के माहौल को बिगाड़ने की साजिश की कोशिश भी की जा रही है। इन तमाम मामलों को देखते हुए यूपीएटीएस ने इनपुट के आधार पर पीएफआई से जुड़े सदस्यों के ठिकानों को खंगाला है। अब तक करीब 55 लोगों को हिरासत में लिया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यूपीएटीएस पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों से जुड़े 55 लोगों से पूछताछ कर रही है। एटीएस ने इनके बैंक खातों को भी खंगाला है और इनके आर्थिक लेनदेन की जानकारी भी जुटाई जा रही है। भारत में प्रतिबंधित संगठन पीपल्स फ्रंट ऑफ इंडिया पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक बार फिर से बड़ा एक्शन लिया है। जांच एजेंसी ने पीएफआई के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार समेत कई राज्यों में 17 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। आरोप है कि पीएफआई के कई ओवरग्राउंड वर्कर यानी ओजीडब्ल्यू एक बार फिर से देश विरोधी गतिविधियों में अपना कदम बढ़ा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएफआई पर प्रतिबंध लगने और इसके शीर्ष नेताओं के जेल जाने के बाद संगठन ने अपने कार्यकर्ताओं को दोबारा संगठित और मजबूत करने का काम शुरू कर दिया है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।